एवरीवन, वेलकम टू बिंग बैंकर विद निव्या गाइज। माय नेम इज़ निव्या भुवन और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं 3 सितंबर के आपके जो रूटीन होने वाले हैं उसके बारे में। आई होप आप लोग रोज़ इस रूटीन को फॉलो कर रहे होंगे, है ना। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं मेरे पास कि हेल्पफुल हो रहा है उनको इस रूटीन से। आई एम ग्लैड कि आपको इससे बेनिफिट हो रहा है। और जिन्होंने अभी तक इस रूटीन को फॉलो करना नहीं शुरू किया गाइज, एक बार शुरू तो करिए, बेनिफिट आपको खुद ही नज़र आएगा। तो चलिए फिर आज के 3 सितंबर के हम लोग जितने भी रूटीन है वो देख लेते हैं। ज़्यादा कुछ चेंजेस मैंने किया नहीं है, मैक्सिमम आपको वही सारे मिलेंगे जो कि आप लोग फर्स्ट या सेकंड को भी कवर कर रहे थे। क्योंकि बार बार टॉपिक्स चेंज करना वो सही नहीं होता है, क्योंकि आप भी एक टॉपिक पढ़ नहीं पाओगे और दूसरे पर स्विच हो जाओगे तो वैसे तो कुछ सीख नहीं पाएंगे, है ना। इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि एटलीस्ट आपका एक वीक तक ऑलमोस्ट मैं सेम ही रखूँ। तो चलिए फिर देखते हैं। अगर आप पहली बार आए हो गाइस इस चैनल पर तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन एकदम टाइम पर मिल जाए जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ। तो क्योंकि काफ़ी सारे नए स्टूडेंट्स हैं तो हो सकता है कि आपके कुछ वीडियोस मिस हो जाएं, तो कोई वीडियो मिस नहीं होना चाहिए, इसी के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा गाइस। चलिए आपका 3 सितंबर का रूटीन आपके स्क्रीन पर। मॉर्निंग का तो सेम रूटीन है आपका, हर रोज़ का वही चीज़ है। सुबह 1 घंटा आप डेली करंट अफेयर पढ़ोगे। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि मैम सोर्स आपने क्या बताया था, मैंने अड्डा बताया है, अफेयर्स क्लाउड बताया है करंट अफेयर के लिए। अगर आप चाहो तो आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, आप जहाँ से भी पढ़ते हो वहाँ से भी फॉलो कर सकते हो। बट अगर कहीं आप फॉलो नहीं करते हैं एंड अगर आप कुछ ढूंढ रहे हैं तो आप अड्डा को या फिर आप अफेयर्स क्लाउड को एक बार चेक कर सकते हो, काफ़ी वो सही रहता है। इसके बाद आप 1.5 से 2 घंटे का इंग्लिश एडिटोरियल ग्रामर या फिर वो कैप्स पर होगे। ये सब हो जाने के बाद में इसे आप टिक कर दीजिएगा, डन। उसके बाद आपके क्लासेस होंगे अनअकैडमी पर, प्लस पे होंगे तो प्लस पे आप करोगे, स्पेशल पर होगे तो स्पेशल पे करोगे। अगर कोई क्लास नहीं है मान लीजिए, और जो मैंने रूटीन दिया है ना, अगर इस टाइम पे कभी भी आपका क्लास है तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेना, थोड़ा चेंज कर लेना। सो आफ्टरनून में 2 घंटा मैंने दिया है क्वांट्स के सेल्फ स्टडी के लिए, क्वांट्स में काफ़ी लोग वीक हैं इसलिए। सो 1 घंटा आप अप्रॉक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन पर होगे क्योंकि ये आपके प्री और मेंस दोनों एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 घंटा आप DI करोगे, प्री का या मेंस का, दोनों का भी कर सकते हो, ऑल्टरनेट करके चलेगा। अगर कल आपने प्री किया था तो आज आप मेंस कर लीजिएगा। नाउ इवनिंग का टाइम 4 से 6 बजे का मैंने दिया है, ये आप फुल मॉक लगाओगे, पूरा आप एक मॉक लगाओगे, प्री का लगाओ मेंस का लगाओ, जो भी आपके एग्जाम्स आने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग लगाइए। एंड साथ ही एनालिसिस भी कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए साथ में ही आप अगर एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं तो उस टाइम पे कुछ और पढ़ लो, किसी और का टाइम वहाँ पे यूटिलाइज़ कर लो और ये एनालिसिस वाला टाइम कहीं और पे शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। सो डन। इसके बाद शाम में 6 से 7:30 का आपके पास टाइम बचेगा जहाँ पर आप एक क्विक रिविज़न कर लोगे। 30 जून 2020 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी, तो आप यहाँ पर 30 तक का कवर करोगे। सो 30 तक का कवर करने के बाद आप क्या करेंगे, इवनिंग का काम आपका हो गया डन। नाइट वाले में 10:30 से लेकर 1:30 बजे तक का टाइम है आपके पास में। डेढ़ घंटा आप रीजनिंग की सेल्फ स्टडी करोगे। आज भी आप अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ ही पढ़ने वाले हो, आप लोग 1.5 घंटा इंग्लिश को दोगे, फिर इंग्लिश के लिए आप सेल्फ स्टडी करेंगे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट को देना आज भी, अभी करो कुछ दिन इसे, उसके बाद फिर इसमें चेंजेस करेंगे हम लोग। सो ये रहा आपका 3 सितंबर का पूरा रूटीन। आई होप आप लोग जैसे प्रीवियस फॉलो करते आ रहे हो इसको भी फॉलो करोगे। एक वीक करके देखो, चेंजेस आपको खुद ही नज़र आएगा, आपको इम्प्रूवमेंट आप में खुद ही नज़र आएगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय। 1 सितंबर से काफी सारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं डिफरेंट एजुकेटर्स के, जो कि टॉप एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी पर एंड टॉप बैचेस हैं। इससे अच्छे बैचेस आपको और मिलेंगे नहीं अनअकैडमी पर। सो ये आपका एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर आप भी बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज के टाइम पे अनअकैडमी से बेहतर प्लेटफॉर्म आपको कोई मिलेगा नहीं, जहां पर आपको 70+ एजुकेटर्स मिलने वाले हैं जो कि लाइव क्लासेस दे रहे हैं, रिकॉर्डेड भी आपके अवेलेबल होते हैं, वीडियोज प्रैक्टिस के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 98% बैंक एस्पिरेंट्स का भरोसा है। अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं, काफी सारे बच्चे हैं ऐसे जिन्होंने अनअकैडमी पर पढ़कर के एग्जाम्स क्रैक किया है। एंड इसके अलावा अगर आप बोलोगे कि और कौन कौन से बैचेस यहां पर चल रहे हैं तो आप पर देख सकते हो डिफरेंट एग्जाम्स को फोकस करके, जैसे कि आपका रण विजय बैच है जो कि आपका 1 सितंबर मतलब आज से ही स्टार्ट हुआ है। स्ट्रॉन्ग लाइनअप है बैचेस का, आप देख सकते हैं रण विजय बैच है जो सीटी के लिए फोकस किया गया है, एंड एडवांस प्रैक्टिस बैच दिया गया है बैंक के लिए। फाउंडेशन अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए भी बैचेस आपके अवेलेबल है अनअकैडमी पर। इसके अलावा भी डिफरेंट एजुकेटर्स, जैसे कि आपका अगर फोकस है SBI एग्जाम जो कि आने वाला है तो उसके लिए फाउंडेशन बैच चल रहा है गुरुकुल, इसके लिए है IBPS के लिए। अगर आपका भी टारगेट IBPS है जरूर से आप इससे ज्वाइन करें। एंड IBPS SO या फिर AFO जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए भी अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी प्लस पर वो भी कर
सकते हैं। एंड साथ ही SBI क्लर्क के लिए है डाउट बैच, जहाँ पे आपका लॉन्च किया गया है, जहाँ पे आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। प्रैक्टिस कोर्स भी दिया गया है बैंक एग्जाम्स का। एंड साथ ही यहाँ पर मेरा जो बैच है ना, वो IBPS SO के लिए एक करंट अफेयर का बैच आ रहा है, जो कि राज्य भाषा अधिकारी का जो वैकेंसी आने वाला है IBPS का, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है एंड काफी हेल्पफुल होगा गाइज। NISCL के लिए भी वैकेंसीज निकल चुकी है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप उसके लिए ये वाले बैचेस को ज्वाइन करें। ये जो है ना मेरा यहाँ पर ऑलरेडी आज से एक और बैच स्टार्ट हुआ है, जिसका फोकस जो भी रीजनिंग पर है, और ये दूसरा मेरा करंट अफेयर का बैच है। तो आप दोनों के लिए मुझे ज्वाइन कर सकते हो। रीजनिंग के लिए सुबह में क्लास होती है 9:30 AM, और करंट अफेयर या फिर बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक जीके, इसके लिए जो क्लास होती है ना, वो होती है शाम में 7:30 बजे। तो आप मुझे वहां पर ज्वाइन करिए। इसके अलावा अन अकेडमी के पास एक नया फीचर है, जो कि जिसका नाम है आस्कर डाउट। अगर आप भी प्लस वन है ना, तो आप इस फीचर का फायदा उठा सकते हैं। क्या करना है यहाँ पर, आपको मान लो कभी भी आप कुछ पढ़ रहे हैं, आपको डाउट आया, तो आप उस क्वेश्चन का इमेज क्लिक कर लीजिए और उसको अन अकेडमी को सेंड कर दीजिए। अन अकेडमी की जो एक्सपर्ट की टीम है, आपको वहां पर से रिप्लाई जरूर देंगी उसके सही आंसर के साथ में। सो लाइव अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। और इसी के साथ ना, हर संडे को अन अकेडमी पर आपको कॉम्बैट होता है, सुबह 10 बजे होता है, जहां पर आपके 36 क्वेश्चन होंगे, 50 मिनट का टाइम दिया जाएगा, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स सभी टॉपिक्स होते हैं। तो आप इसको जरूर से अटेम्प्ट करें, क्योंकि काफी सारे प्राइजेस भी आप यहाँ पे जीत सकते हैं, काफी सारे स्कॉलरशिप्स भी जीतने का मौका मिल सकता है। अगर कभी भी आपसे कोई भी कोड मांगता है, तो आप वहां पर Nivya-6721 कोड यूज कर सकते हो, ठीक है। सो चलिए आगे चलते हैं। CET प्रिपरेशन के लिए बैंक और SSC का एक कॉम्बो ऑफर है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। RBI नाबार्ड के लिए भी है, साथ ही ये आपके ऑफर्स हैं प्राइस के, जो अन अकेडमी प्लस के लिए जो आप परचेस करेंगे उसके लिए, तो आप देख लीजिए।